वहाँ जब बात हुई मैंने ऑफिस में की, मैंने कहा ये बायोग्राफी लिखनी है और किसी से, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा फिर जब मिलना होगा तो फिर, हाँ जब मर्जी मुझे फ़ोन करना और आ जाना। कई दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैंने कहा मुझे मिलना है, तो कहती हैं कि अच्छा आ जाओ। तो कोई पब्लिक फंक्शन था तो बैठी हुई थी, तो मैं जब पहुंची तो कोई कुर्सी नहीं, फिर सब लोग बैठे हुए थे। नहीं कोई जब नहीं, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। उसका जो कुर्सी का जो वो होता है, वहाँ कहती हैं बात करो तुम बेशक यहाँ बैठ के। वैसे ही थी। एक दिन उनकी जब इलेक्शन के लिए चली वो, तो मैंने कहा मैंने तो इलेक्शन देखना, आप कैसे करती हैं क्या होता है। फिर हाँ आ जाओ। उन्होंने उसको यशपाल कपूर था उनका करता धरता पीएस, हाँ। तो यशपाल कपूर तो खैर ही लेकिन मतलब बड़ा वाकई बन गया दोस्त, और उसके बगैर तो होना ही नहीं था क्योंकि सारा कुछ तो वही अरेंज करता था। तो हम गए, एक इलेक्शन टूर में जाना था उनको, तो हम भी मैं भी साथ में थी, कुछ और लोग भी थे। लेकिन मैंने कहा मैंने आपसे बात करनी है, तो अब टाइम निकलता जा रहा है ऐसे। तो ठीक है, नहीं नहीं आ जाओ मेरे साथ, और जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलेगा वहाँ बात कर लेंगे। तो एक पता नहीं, अब मुझे वो गांव याद नहीं है, या जो छोटा सा शहर था, रेस्ट हाउस था वहाँ। तो वो एक कमरे में ठहरी और मुझे एक और कमरा दे दिया, और बाकी जो लोग थे वो ठहरे हुए थे। तो कहना जब क्या उन्होंने कि जब टाइम होगा तो मैं तुमको बुला लूँगा। तो मैं सो रही थी अपने कमरे में 6 बजे सुबह, और मुझे बिल्कुल आदत नहीं सुबह उठने की। 6 बजे सुबह टक 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 टक, मैंने वो क्या हो गया, मैं यशपाल कपूर बोल रहा हूँ, पंजाबी था तो पंजाबी में बोला, पीएम बुला रही है अब इंटरव्यू करना तो आ जाओ। मैंने कहा ओहो 6 बजे सुबह, तो भाई एकदम से जल्दी से तैयार होकर बिल्कुल, और भागी मैं वहाँ।